हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक निस्तारण आदेश जारी किया गया है, जो उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया था कि परीक्षा को बढ़ाया जाए, उसको निरस्त कर दिया गया है। इसमें बोला कहा गया था कि उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा 14 जुलाई को होने वाली है, उसकी डेट को बढ़ा दिया है, आगे उसकी परीक्षा को आगे बढ़ा दिया है। इस संबंध में आयोग ने इसका जो भी ज्ञापन सौंपे गए थे उसको लेकर आयोग ने साफ कर दिया है कि इनका निस्तारण कर दिया गया है, कि आपका जो भी तैयारी थी अब हो चुकी है, अब परीक्षा को आगे नहीं बढ़ा सकता, अब ये परीक्षा निश्चित टाइम पर होगी। तो आयोग ने इसमें साफ कर दिया है। देखिए, यहाँ पर कहा गया है, एक्टर द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या इतना इतना के अंतर्गत उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल पेपर अधीन सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा 5वें प्रकार के हेतु तिथि परिवर्तन के संबंध में प्रत्यावेदनों पर सम्यक रूप से विचलित करते हुए निम्नलिखित तालिका में स्तंभ 3 के अनुसार निस्तारित कर दिया गया है। आयोग ने कह रखा है साफ साफ कि यहाँ पर आप परीक्षा निभाई सकती है, आपके आपने जो भी आवेदन लगाए थे उसके लिए उसका आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है, आपके प्रत्यावेदन को निरस्त कर दिया जाता है। इसमें आप सारी तैयारी हो चुकी है, 14 जुलाई को यह परीक्षा होने वाली है, तो ये 14 जुलाई को यही परीक्षा कराई जाएगी, आप कोई परीक्षा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, आपके निश्चित टाइम पर ही परीक्षा कराई जाएगी। देखिए आगे क्या गया है, देख सकते हैं आप। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल परिवहन अधीन सेवा परीक्षा 2024 के प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2024 की तिथि परिवर्तन के अनुरोध पर विचार किया गया। उक्त परीक्षा के आयोजन के संबंध में समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, इस स्तर पर परीक्षा की तिथि में परिवर्तन संभव नहीं है। साफ साफ कह रखा है कि परीक्षा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। समय के विचार उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा प्रसंगत परीक्षा की तिथि परिवर्तन के अनुरोध को अस्वीकार्य करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किए जाते हैं, लेकिन क्या कर दिया गया है, आयोग ने इनका निस्तारण कर दिया गया है। आपकी कोई भी इनका कहा गया है आयोग ने कि आप हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, आप इसको लेकर कोई भी परीक्षा की तिथि नहीं बदला होगा, जो भी परीक्षा की तिथि रखी है 14 जुलाई उसको ये अंतिम रूप से परीक्षा कराई जाएगी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, आपको कोई भी परीक्षा में बदलाव करने नहीं दिया जाएगा और ना ही किया जाएगा। इसमें आयोग ने कह रखा है कि अभ्यर्थी अपने समय पर और अपने जहाँ भी सेंटर है निश्चित रूप से उस दिनांक में पहुँचें और अपनी परीक्षा को दें, जिससे आप इस भ्रम में आ रहे हैं कि परीक्षा की डेट बढ़ेगी। बहुत से क्योंकि लोगों का कहना है कि मौसम खराब चल रहा है, इसलिए परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए। बहुत से आने जाने में दुर्गम क्षेत्र हैं, वहाँ पर दिक्कत होती है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है, इसलिए परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आयोग ने साफ इसमें कह दिया है कि परीक्षा की तैयारी हो चुकी है पूरी और पेपर की तैयारी कराने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है हमने, इसलिए अब इसका बढ़ाना मुश्किल है और आपको ये जो 14 जुलाई दे रखी है उसको ही पेपर कराया जाना संभव है और इसको कराया जाएगा। इसमें आयोग ने ये भी कह रखा है कि आप निश्चित समय पर और निश्चित टाइम पर और निश्चित दिन और निश्चित सेंटर पर अपना जाकर दे सकते हैं, आपकी कोई भी परीक्षा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, कोई खिसकाव नहीं किया जाएगा, प्रत्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, इनका निस्तारण कर दिया गया है आयोग ने। ये आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।